मुसाफिर चला हुआ है शिमला में, हम उम्मीद करते थे कि जो मैंने मुद्दा उठाया है उसके बारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जब विपक्ष ने उस मुद्दे को उठाया तो एक संतोषजनक उत्तर देते, लेकिन अफसोस है मुझे कि उन्होंने संतोषजनक उत्तर नहीं दिया है और यहाँ तक कहा कि मैंने विजिलेंस इंक्वायरी के लिए मैंने आदेश नहीं दिए, जो कि जो पहले की उनकी स्टेटमेंट आई है जिसकी कॉपी मेरे पास है, जो आपके अखबारों में ही छपी थी, उसमें मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि विजिलेंस इंक्वायरी हम करवा रहे हैं। तो श्री जयराम ठाकुर जी का ये सदन में कहना कि ऐसी विजिलेंस की इंक्वायरी कोई नहीं चल रही है या मैंने नहीं इसके आदेश दिए, मैं समझता हूं मेरी जानकारी के मुताबिक ये सही नहीं है और मैंने इसलिए ये जो पत्र मैंने अब फिर लिखे हैं, इस दफा श्री जयराम ठाकुर जी को पहले मैंने एड्रेस किए थे और कॉपी बाकी को दी थी प्रतिलिपि, इस दफा मैं प्रधानमंत्री को मैंने वो चिट्ठी लिखी, मैं आपके बीच वो चिट्ठी, जिस चिट्ठी में मैंने चाहा है कि जो मैंने पहले आपको पत्र लिखा था उसके विषय में मुझे अफसोस है कि उसके बारे कोई अभी तक ठोस सीबीआई इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है और मेरी ये मांग है कि ईडी भी इंक्वायरी करे इसके बारे में। मैंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक नारा था सबका साथ सबका विकास, बाद में एक और थोड़ा सा शायद विश्वास करता सबका साथ सबका विकास, मैं समझता हूं कि ये जो मंत्री जी की चर्चा हुई है इस दफा श्रीमती सरवीन चौधरी जी की, इसमें इसको बदल दिया है इन्होंने, सरवीन चौधरी जी ने बदल दिया इस स्लोगन को जो प्रधानमंत्री का था सबका साथ सबका विकास, उनको बदल के कर दिया करो अपना विकास बाकी सब बकवास, करो अपना विकास बाकी सब बकवास। और जैसे मैंने कहा कि ये मजबूत नहीं है, ये मजबूर है, इस पूजनीय पति पवन कुमार जी ने, मैं पवन कुमार जी इसलिए कह रहा हूं, बार बार ब्रिगेडियर कह रहे हैं, कहीं भी किसी कागज में जो लैंड डील्स हुई है ब्रिगेडियर कहीं शब्द नहीं इस्तेमाल किया गया है, कहीं पूरा नाम भी नहीं, पवन चौधरी भी नहीं किया गया है, सिर्फ पवन ही लिखा गया है, मैं उनको पवन कुमार जी कहूंगा। और फिर तीसरा नोटिस जो हमें आया है, नोटिस जो आया है वो आया उनके सुपुत्र पुरुषार्थ, और हर नोटिस मुझे ये है कि हम आपके ऊपर दावा करेंगे 1 करोड़ रुपए का डैमेज का। तो तीनों के अगर आप जो मेरे ऊपर डैमेजेस के लिए दावा उन्होंने जिसकी धमकी दी है नोटिस ही दिए हैं, 3 करोड़ बनते हैं, 1 करोड़ श्रीमती सरवीन चौधरी जी का, 1 करोड़ पवन कुमार जी का, 1 करोड़ पुरुषार्थ जी का, और 3 करोड़ ही उन्होंने बैंक से लोन लिया है तो क्या मेरे से ही पूरा करवाएंगे? अच्छी बात है, सोच समझ के ही किया होगा, बहुत कुछ सोच समझ के ही, लेकिन इनकी थोड़ी सी मैं इनकी इनका सफर जो है उसको बात करना, आप चले हैं जो मैंने यहाँ पहले आपको चिट्ठी आपके सामने प्रस्तुत की थी जो प्रधानमंत्री इत्यादि और जयराम ठाकुर इत्यादि हो गई, अब इनका सफर शुरू हुआ शाहपुर के रहने वाले, मतलब शाहपुर में शादी हुई है तो वहाँ इनके पति रहते हैं, अब ये रहते हैं शाहपुर में, पति के जो है पैतृक गांव और घर में, फिर वहाँ भी इन्होंने शाहपुर से चले, वहाँ भी कुछ और जमीन खरीदी, शाहपुर में भी कुछ और जमीन खरीदी, फिर चलते चलते श्रीमती माननीय सरवीन चौधरी जी बोधरिणी के पास डिब्बा एक गांव में वहां पहुंच गए, 19 कनाल वहां जमीन खरीदी। तो चलते चलते ये बोधरिणी के डिब्बा गांव पहुंच के जहां जमीन खरीदी, फिर वहां से चले चलते चलते फिर माननीय श्रीमती सरवीन चौधरी जी भागसूनाथ पहुंच गए, वहां आपने 2.5-3 कनाल जमीन खरीदी,
होटल बनाने के लिए, कभी कहते हैं गेस्ट हाउस है, लोगों कहते हैं होटल के लिए है, लोगों कागजों में होटल के लिए बताया है, यहाँ आपके हाउस गेस्ट हाउस बता रहे हैं। पर चलते चलते फिर भावसनाथ पहुंच गए और वहां से भी फिर चले, फिर चलते चलते आप इंद्रुनाग पहुंच गए, जिस चीज का इन्होंने जिक्र नहीं किया पिछली दफा आपके साथ, जो बहुत ही डिटेल दे रहे थे उसका ये जिक्र नहीं किया होगा। फिर चलते चलते आप इंद्रुनाग पहुंच गए, जहां कोई चौला एक गांव है, चौला में आपने 5 किनार जमीन खरीद ली। ये नाम जो है कहीं अपने जी के हैं, कहीं पुरुषार्थ जो उनके सपुत्र है उनका है, डिटेल मैंने इसमें दी है। फिर इंद्रुनाग से फिर चल पड़े आप, फिर गाड़ी चल पड़ी। इंद्रुनाग से चलते चलते कहां पहुंच गए? गमरू। ये पूरा धर्मशाला का ये परिक्रमा हो रहा है। फिर आप गमरू पहुंच गए, जहां आपने 5 किनार जमीन खरीदी। अभी सफर बाकी है, अभी खत्म नहीं हुआ। वहां से फिर निकले, गमरू से चलते 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 आप कहां पहुंचे हैं? बागनी तपोवन, जहां खुद जो उनके पुत्र ने एक पर्चा मुझे जो ये नोटिस भेजा उसमें लिखा है कि मैंने 12.5 किनार मेरे नाम से जरूर लिखा। पर्चा नहीं निकल रहा था तो खुद ही मान लिया उन्होंने। वैसे हमें जो पहले जानकारी थी वो 20 किनार की थी, पर हो सकता है कि अभी भी 20 किनार हो, लेकिन ये कंफर्म उन्होंने खुद अपने आप किया कि 12.5 किनार। या तो रखे साया अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा। उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।